मध्य प्रदेश की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक बार फिर दिल्ली वापस लौटने की चर्चा तेज हो गई है। इसके बाद अटलों के बाजार को खारिज करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और ना ही संन्यास की घोषणा करेंगे। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश से नहीं हिलेंगे और ना ही राजनीति से संन्यास लेंगे। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में उनके लिए संघर्ष का वक्त है, सबको संघर्ष में लगे रहना है। वहीं दिल्ली जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह मध्य प्रदेश को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अपनी दोहरी जिम्मेदारी पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालेंगे या नेता प्रतिपक्ष का, यह फैसला हाईकमान करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि उन्हें किसी भी पद की लालसा नहीं है। वहीं अध्यक्ष पद के चुनाव पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए आवेदन तक नहीं दिया था। हाईकमान से निर्देश जारी किए गए कि कमलनाथ को जिम्मेदारी उठानी होगी और मैंने वह जिम्मेदारी उठाई। वहीं नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने विधायकों से कहा कि आपसी सहमति से वह जिसे भी चाहे नेता प्रतिपक्ष चुन सकते हैं। दूसरी ओर शिवराज सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुश करने की एक और प्लानिंग करने जा रही है। अब प्रदेश में नवनिर्मित पंचायत भवनों का नाम स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से और सामुदायिक भवनों का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया के नाम से रखा जाएगा। आपको बता दें कि सूबे में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नगरीय निकाय चुनाव पर बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव की तरह नगरीय निकाय चुनाव में भी सर्वे करवाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ सर्वे से काम नहीं होता है। हम पहले भी कह चुके हैं कि सर्वसम्मति से नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा और उनकी जीत सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस को सदन में इस वक्त नया नेता मिल सकता है, इसके लिए कांग्रेस हाईकमान जल्द निर्णय ले सकती है। सूत्रों की माने तो कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं, जबकि पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी उनके पास ही रहेगी। अब ऐसे में हाईकमान नेता प्रतिपक्ष पद के लिए कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ विधायकों में से किसके नाम का चयन करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।